नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए दो बढ़िया सी MIUI 12 सपोर्टेड थीम स्टोर की थीम और लेके आ चुका हूं। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप जो MTZ पर वीडियो बनाते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होता है, बार बार थीम रीसेट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना थीम स्टोर की थीम लेके वीडियो बनाया जाए। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको ऑफिशियली जो थीम स्टोर पर थीम मिलती है वो उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो गाइस पहला थीम है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोनों ही थीम गाइस बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन वगैरह भी यहाँ पर आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस मुझे पर्सनली इसका जो क्लुक विजेट से वो बहुत ही पसंद आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई आइकॉन वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। सेम आइकॉन गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग के भी अंदर देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये ओरिजिन OS का शायद आइकॉन है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग वगैरह इस थीम के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो गाइस कंट्रोल सेंटर के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से आइकॉन वगैरह जो है मॉडिफाई देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्लॉक एंड डायलर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका भी जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ। अंदर आपको MIUI का जो डिफॉल्ट में हमें मिलता है वही सेम डायलर मिलेगा। उसके बाद मैसेजिंग की बात करें तो मैसेजिंग आइकॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ब्लू एंड रेड के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम UI वगैरह आपको सेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, पर जैसे ही गाइस यहाँ पर आप इसको लुक करते हैं तो यहाँ पर आपको भर के कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अच्छा सा एक लुक मिल रहा है, जो आपको जो डिफॉल्ट में मिलता है क्लुक उससे तो भाई बेहतर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें एप्स की, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन और शॉर्टकट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बैटरी का, वेदर का, उसके बाद कैमरा और बाकी सब आइकॉन वगैरह दिए गए। अगर आपको इसको एडिट करना है तो भी यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप एडिट के मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मेनू देखने को मिल जाएगा। ये गाइस फ्लैग नहीं है, ये यहाँ पर एप्स है जिसको आप अगर चाहे तो यहाँ पर एड कर सकते हैं, पर मेरे थीम मैनेजर के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से सब एप्स यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे। जब भी आप कोई नया ऐप या फिर कोई भी नया टोंगल ऐड करते हैं तो यहाँ पर ही ये ऐड होता है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जल्दी शायद इसका डिजाइनर है वो इसको ठीक कर देगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर भी आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसका वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है या फिर क्लॉक स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है और बाकी कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। तो अगर आप इसको डार्क करना चाहे, कुछ भी यहाँ पर चेंज करना चाहे तो इस थीम के साथ कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो पहला थीम है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो दूसरा थीम है वो भी काफी कमाल का है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आइकॉन पैक वगैरह आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है, उतना अच्छा यहाँ पर आइकॉन पैक नहीं है, पर उसको आपने छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर जो भी बात है वो इसके क्लॉक के अंदर और बाकी जो इसके फंक्शन है उसके अंदर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसका क्लॉक वगैरह है उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 स्टाइल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो जो भी स्टाइल का यहाँ पर आपको टोंगल वगैरह पसंद है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी आइकॉन वगैरह भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, कैलेंडर वगैरह भी शो कर रहा है, तो आपको iOS की तरह यहाँ पर ये टोंगल वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो इसका कंट्रोल सेंटर वगैरह है वो भी काफी कमाल का है, पूरा गाइस यहाँ पर नीचे आ चुका है। MIUI 13 के अंदर भी शायद ये पूरा नीचे आ जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पर इसका कंट्रोल सेंटर वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस एक खास बात है, अगर आप MIUI 11 के यूजर है तो भी आप इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर MIUI 11 का मैं आपको स्टाइल दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से MIUI 11 स्टाइल कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन सेट उसको इनेबल करते हैं तो भी ये पूरा नीचे आ जाएगा, जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते भाई MIUI 11 का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन सेट है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। साथ में गाइस यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट है वो भी आपको नीचे ही देखने को मिलेगा अगर आप MIUI 12 यूज करते हैं तो। उसके बाद सेटिंग वगैरह कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है, पर जैसे ही आप इसको भी लॉक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी कुछ जो कस्टमाइजेशन है वो लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आइकॉन यहाँ पर लगे हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद यहाँ पर वेदर का,
अगर आप एक्टिविटी ट्रैकर यूज करते हैं तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और ऊपर आपको यहाँ पर क्लॉक दिया गया है। पर्सनली गाइस मुझे इसका जो चार्जिंग एनिमेशन है वो काफी बढ़िया लगा है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए तो भाई छोटा सा और अच्छा सा एक यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन है वो इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कैलेंडर का, उसके बाद वेदर का, म्यूजिक का और अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ दिखाने के लिए है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो सही में ये यूज होता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ भाई, 2+2 करके यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कैलकुलेट होके आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप लुक स्क्रीन है उससे ही काफी कुछ है वो चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये जो थीम है वो देखने को मिल जाता है। अभी गाइस बात करते हैं कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो गाइस इन दोनों थीम का नाम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप इस थीम को मैन्युअली सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला थीम है उसका नाम यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन है और दूसरा थीम है उसका नाम कुछ इस तरीके से स्टाइप प्रो मोड V12 है। तो इस तरीके से गाइस आपको दोनों ही थीम जो वो थीम स्टोर पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगी। तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहां से अप्लाई करना है, परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा, कोई भी यहां पर रीसेट वगैरह नहीं होगा। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज का थीम वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको ये थीम वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो भाई मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे और भी नए नए थीम के वीडियो है वो आपके लिए ला पाऊं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।